मैथमेटिक्स रोज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा नंबर क्वेश्चन, हम लोग ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में किए हैं, जो हम लोग जल्द ही अपलोड कर देंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन हम जो है आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा बड़ा भी है, इस वजह से हमने 8 नंबर क्वेश्चन लिया है। अगर 6 या 7 में किसी तरह का आप लोगों को कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत वीडियो बना करके हम डाल देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 है, और दूसरा नीचे समीकरण दिया हुआ है 1/2 × 3x + y (ब्रैकेट के अंदर -1/2 × 3x - y = -1/8। तो ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है, इसको हम लोग को रैखिक समीकरण में बदलना होगा कुछ मान करके, और उसके बाद बीजगणितीय विधि से हम लोग को इसका हल करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग का ये है प्रश्न संख्या 1 का 4वां, सॉरी 8वां, 8 नंबर है। प्रश्नावली जो है आपका, ये ऊपर चला जा रहा, प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हिंदी गणित कक्षा, गणित है कक्षा क्लास 10। ये है, अब प्रश्न लिख लेते हैं, 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 1/2 × 3x + y, 1/2, फिर उसके बाद -1/2 × 3x - y = -1/8, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको हल करने का कोशिश करते हैं, तो हल यहाँ पे कर रहे हैं। तो माना 1/3x + y को हम मान लेते हैं a, और 1/3x - y को मान लेते हैं b। तो समीकरण 1 जो है बदल जाएगा, देखिएगा समीकरण 1 यहां से देखिए बदल करके लिखते हैं a + b = 3/4, ये हो गया आपका समीकरण 3। ये समीकरण 1 से बदला है ये, ठीक है। और दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण हम यहाँ से लाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर तो पूरा आपका इतना है, तो दूसरा समीकरण को थोड़ा हम लिख देते हैं 1/2 × 1/ यहाँ इंटू लिख देते हैं 3x + y ब्रैकेट में, और फिर माइनस, फिर 1/2 × लिख देते हैं ऐसे 1/3x - y = -1/8 लिख दिया। यहाँ तक तो आप लोग को दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे 1/2, और इसको पूरा मैंने क्या माना है, a, इसको माना है हम लोग a, इसको a माना है, तो यहाँ a लिख दिया, फिर 1/2, और ये पूरा माना है b, तो ये b लिख दिया यहाँ पे, इसको हम लोग माने हैं b। ये बराबर हो गया आपका -1/8। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा वहां पे टू, टू आ जाएगा एलसीएम, तो टू में टू से भागा देंगे वन, वन में वन से गुना होगा तो ये ए हो जाएगा, वन ए बोलेंगे या वन नहीं लिखते हैं। और उसी तरह से ये बी हो जाएगा बराबर माइनस वन बाई एट, टू को अब इधर लाएंगे तो ए माइनस बी बराबर माइनस वन बाई एट इंटू टू, ऊपर में हो गया तो टू वन जा टू, टू फोर जा एट, ये हो गया। अच्छा ए, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी माइनस वन इंटू प्लस वन बराबर माइनस वन बाई फोर हो गया ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण चार, तो ए माइनस बी बराबर माइनस वन बाई फोर, और ए प्लस बी बराबर जो है हम लोग निकाले हैं थ्री बाई फोर, ये निकाले हैं, ये समीकरण तीन था, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों से विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम लोग क्या निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, तो ऐड करने पे ये दोनों कट जाएगा, तो इसलिए जोड़ेंगे, दोनों में अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ए और ए को जोड़िएगा तो टू ए होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा, माइनस वन बाई फोर लिखिएगा, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 3/4 लिखिएगा, इस तरह से आप लिखेंगे। इस तरह से आप देखिए टू ए बराबर, अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा चार, और चार के एलसीएम चार ही आएगा, तो यहाँ माइनस वन और यहाँ +3, तो टू ए बराबर माइनस प्लस यानी घटेगा, तो 3 में 1 घटेगा तो 2/4 हो गया, ठीक है। ये दो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, तो ए के जगह हमें 1/4 हम लोग का आया, ए का मान निकल गया 1/4। चूंकि हम लोग का समीकरण तीन में, समीकरण तीन से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 3/4, इसमें ए का मान यहाँ से रख देते हैं, ठीक है, 1/4 प्लस बी बराबर 3/4 हो गया। अब इस 1/4 को हम इधर ले आते हैं तो बी बराबर हो गया 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, देखिए आप लोग को पूरा दिखाई देना चाहिए, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ पर ये 4 हो गया, 3 माइनस 2 1, सॉरी, तो बी बराबर आपका हो जा रहा है 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल कीजिएगा, तो बी बराबर 1/2 निकल गया, ये 1 निकल गया। अब हम लोग देखिए ए जो माने थे हम लोग, ए माने थे हम लोग 1/3x+y को ए माने थे, ठीक है, तो 1/3x+y बराबर ए के जगह में आपको लिखना है कितना, 1/4 लिखना है, तो 1/4 लिख दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा इसको, तो 4/3x+y हो गया, या हम लोग इसी को 3x+y बराबर 4 लिख सकते हैं, तो इसको समीकरण 5 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या माने थे, इसमें b को माने थे 1/ देखिए इसमें हम लोग b को माने थे 1/3x-y बराबर b माने थे, तो इसको 1/2 ले लेते हैं, और इसको उलट देने पर 2 बरा या क्रॉस कीजिएगा तो 2/3x-y आ जाएगा, ये आपका 3x। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक निकाले हैं 3x+y बराबर 4, समीकरण नंबर 5, और एक निकाले हम लोग क्या 3x-y बराबर 2, समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 और 6 दोनों रैखिक समीकरण है, और ये दोनों रैखिक समीकरण का आप हमको हल करना है, और ये दोनों रैखिक समीकरण का हल करेंगे हम लोग चाहे विलोपन विधि से करें,
या किसी भी विधि से हम लोग बीजगणित विधि से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 जो है 3x + y = 4 और समीकरण 6 है 3x - y = 2। अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर y है प्लस y और माइनस y है, तो ऐड करने पर हम लोग का ये कैंसल हो जाएगा। जब ये कैंसल हो जाएगा तो विलोपन विधि से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से तो यहाँ पर उल्टा चिन्ह है जब, तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर है ना, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा और 3x 3x 6x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो x = 6/6 ये कट गया, x = 1 आ जा रहा है। ये एक हल हो गया, निकल गया। अब हम लोग समीकरण समीकरण 5 में x = 1 रखने पर अब y का मान निकालेंगे, तो 3x + y = 4 है। यहाँ 3 × x के जगह में 1 डाल दिया, यहाँ से 1 डाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका x के जगह में 1 डाले हैं x का मान, और यहाँ पे +y = 4, तो 3 हो गया ये, 3 + y = 4, तो y बराबर हम लोग का हो रहा है 4 - 3, तो y का भी मान 1 ही आ जा रहा है। तो समीकरण का जो हल है वो हल आपका ये करके x, y, तो x का मान को पहले लिखते हैं 1 है और y का भी मान 1 है, तो यही इस समीकरण का हल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसे समझ में आया होगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग का समस्याएं हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको हम हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न है, उसके बाद इस ऐच्छिक प्रश्नावली है, तो ऐच्छिक प्रश्नावली को हम लोग बाद में करेंगे, पहले मेन काम करते हैं एग्जामिनेशन का जो है। तो इस आप लोग इसको पूरा शुरू से अंत तक वीडियो देख करके इसको रिवाइज कीजिएगा पेन और पेंसिल लेकर के, ताकि आपको पूरा इसको समझ में आ जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ख़ास करके आप बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, और किस तरह से वीडियो और अच्छा बने उसके लिए भी कमेंट कीजिए प्लीज़। ऐसा आशा करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो, CBSE वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, इसलिए कि उसमें हम अंग्रेजी में भी कुछ बोल देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं, या प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कहते हैं, या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि मेथड जो है वो बर्ज गुणनफल को कहते हैं। इस तरह से कोई भी माध्यम के विद्यार्थी हों आप लोग लाभ उठा सकते हैं। आप लोग सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।